रीडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रीडिंग बुक्स नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसी है, क्या आपके पास दो बंदे हैं, एलिस एंड बॉब, एंड बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, एन नंबर ऑफ बुक्स आपको गिवन है, ये एन नंबर ऑफ बुक्स गिवन है, ये दोनों ही बंदे के बुक्स रीड करना चाहते हैं, दोनों ही के बुक्स रीड करना चाहते हैं, बट ये लोग अपने चॉइस के बुक्स को रीड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जैसे आपके पास बुक्स जो गिवन है, उन बुक्स में चॉइसेस भी ऑलरेडी गिवन है आपको, जैसे वन और वन, ये एलिस की चॉइस है और ये बॉब की। क्या अगर एलिस को पसंद है तो वहां वन लिख रखा है, और नहीं पसंद तो वहां जीरो लिख रखा होगा। जैसे बुक नंबर जीरो की अगर मैं बात करूं तो एलिस को भी पसंद है, बॉब को भी। बुक नंबर वन की बात करूं, एलिस को भी पसंद है, बॉब को भी। बुक नंबर टू की एलिस, बॉब थ्री एलिस, बॉब फोर, एलिस को पसंद है, बॉब को नहीं। ऐसी बुक नंबर टू एलिस को पसंद नहीं है, सिर्फ बॉब को पसंद है। बुक नंबर फाइव एलिस बॉब दोनों। बुक नंबर सिक्स एलिस को पसंद नहीं है, सिर्फ बॉब को पसंद है। बुक नंबर सेवन एलिस को पसंद है, बॉब को पसंद नहीं है। ऑलराइट, सो ये गिवन है। अच्छा, ये फर्स्ट कॉलम क्या है, ये टाइम गिवन है, कि इस बुक को रीड करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो 7 यूनिट टाइम, 2, 4, 8, 1, 1, 1, 3। अब हमारे पास एक वैल्यू है के, के पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यार कितने बुक से रीड करना चाहते हैं। अच्छा, दोनों बुक के बुक्स ऐसे ओवरलैपिंग हो सकते हैं, के में कुछ बुक्स ओवरलैपिंग होगी तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बुक चूज करा गया जो एलिस को भी पसंद है, बॉब को भी पसंद है, तो दोनों ही रीड कर सकते हैं। ऐसा समझ लो कि दोनों साथ में बैठकर उसे रीड कर लेंगे। ओके, अब आपको क्या बताना है, क्या के बुक्स रीड करने के लिए मिनिमम कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितने टाइम में एलिस एंड बॉब अपने पसंद के बुक्स को रीड कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं पॉसिबल है सब कि चार एलिस और बॉब, क्या पता एलिस को के बुक्स पसंद ही ना हो, इसमें क्या होता है, के की वैल्यू 5 है और उसने सिर्फ दो बुक पसंद है, तो ऑफकोर्स उस केस में पॉसिबल नहीं है, देन -1 रिटर्न कर दो। ओके, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या अगर दोनों ही पसंद है, दोनों ही बंदे को पसंद है, देन इस बुक को रीड करने की टाइमिंग 14 यूनिट नहीं होगी। अगर इस बुक को रीड करने की टाइम 7 गिवन है और दोनों को ही पसंद है और ये बुक चूज करा, आपको ऐसा लग रहा है कि इसे चूज करने से चीजें मिनिमम होंगी, अगर ऐसा लग रहा है आपको और आपने चूज कर लिया, तो ये बुक दोनों साथ बैठ कर पढ़ लेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अब दोनों को पसंद है तो 7 यूनिट टाइम इसे भी लगेगा और 7 यूनिट टाइम इसे भी लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके, 7 यूनिट टाइम ही कंसीडर करोगे आप। आपको बताना है मिनिमम कितने टाइम में के बुक्स दोनों रीड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस बुक में कुछ 0-0 वाला दे रखा है, वो तो यूजलेस ही है। क्यों? दोनों को ही पसंद नहीं है तो क्यों रखोगे नापसंद वाली चीजें। अगर एलिस को कोई बुक पसंद नहीं है देन वो उसके के में कंसीडर नहीं होगा, राइट? तो अगर दोनों को ही पसंद नहीं है तो किसी के में कंसीडर नहीं होगा, फालतू में टाइम क्यों इंक्लूड करोगे। तो 0-0 वाले तो यूजलेस है, और मैंने ऐसा एग्जांपल लिख रखा है जिसमें 0-0 वाले दे ही नहीं रखे, 0-0 इनफैक्ट देना भी नहीं चाहिए था, बट इन्होंने दे रखा है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास कैटेगरी कौन कौन सी बची, 1-1 दोनों को ही पसंद है, और दो कैटेगरी 1-0 एंड 0-1, इन तीन पे हमारा फोकस होना चाहिए। अच्छा, 1-1 पसंद है तो ये क्या होगा, उस कुछ टाइम यूनिट आप पिक करोगे और उसी टाइम यूनिट में एलिस भी रीड कर लेगा एंड बॉब भी रीड कर लेगा, दोनों के लिए एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इस 1-1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्पिटिटर होगा, वो पता है कैसा कॉम्पिटिटर होगा, वो कॉम्पिटिटर होगा एक बुक आपको इसमें से पिक करने की जरूरत होगी और एक बुक इसमें से पिक करने की जरूरत होगी, ये कॉम्पिटिटर हो सकता है। क्यों? जब आप 1-0 पिक करोगे तो एलिस को बुक पसंद है, बॉब को नहीं। 0-1 पिक करोगे तो एलिस को पसंद नहीं है, बॉब को पसंद है। इन दोनों को कंबाइन करोगे, अगर इन दोनों के टाइम रीडिंग टाइम को कंबाइन कर दोगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बेसिकली 1:1 के, कि यार दोनों ही पसंद है, लाइक दोनों ही बंदों को पसंद है, राइट? तो आप, हम क्या कर सकते हैं, हमें मिनिमाइज करना ओवरऑल टाइम। तो 1-1 अगर मैं पिक करूंगा तो ये 1-1 दोनों ही बंदों के को रिड्यूस कर रहा होगा। 1-0, 0-1 पिक करूंगा कंबाइंड तो ये दोनों ही बंदों के 1-1 को रिड्यूस कर रहा होगा, राइट? तो हमारा मेजर कॉम्पिटिशन है कि भाई इन 1-1 को चूज करूं जो दोनों को पसंद है, या फिर क्या पता किसी 1-1 की जगह कोई और 0-1 एंड 1-0 मिलकर बेटर आंसर दे रहा हो, बेटर, लेस टाइम कंज्यूम कर रहा हो। जैसे जैसे आपने बोला ये मैं चूज कर लूंगा, लेकिन ये क्यों चूज कर रहे हो, इसकी जगह इन दोनों को चूज कर लो यार, ठीक ना? ये 7 यूनिट टाइम ले रहा है और दोनों ही पढ़ पा रहे हैं इकट्ठे बैठकर। अब 4 यूनिट टाइम एलिस ले रहा है एंड 1 यूनिट टाइम
बॉब ले रहा है, ये दोनों टाइम दो अलग अलग बुक्स के टाइम अलग अलग कैलकुलेट होंगे, ऐसा दे रखा है, दो अलग अलग बुक्स के दो अलग अलग टाइम कैलकुलेट होंगे। ऐसा नहीं है कि यार फोर और वन में अगर ये फोर यूनिट रीड टाइम ले रहा है और ये वन यूनिट ले रहा है तो ओवरऑल टाइम फोर यूनिट लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग बुक्स है देन दोनों के टाइम अलग अलग एड होंगे, ओके, ऐसा डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो फोर और वन फाइव यूनिट टाइम इसके लिए लग रहा होगा, इसे रीड करने के लिए एलिस एंड बॉब को। ऑफकोर्स इससे बेटर है, राइट, दो अलग अलग बुक्स है बट स्टिल क्योंकि दोनों के इंडिविजुअल टाइम लेस थे तो हम इसे प्रिफर करेंगे ओवर 711 के, राइट। तो हमें यही बताना, हमें ऐसा ही चूज करना है कि भाई किसे प्रिफर करोगे। तो मैं पता है क्या करने वाला हूँ, ये देखो मैं तीन अलग अलग एरे ही बना लूंगा और एरे लिस्ट लेस से, क्योंकि साइज नहीं पता कौन से में कितना आने वाला है, तो मैं तीन अलग अलग एरे लिस्ट बनाऊंगा। ये देखना क्या दोनों ही बंदे रीड कर पाए, दोनों ही अंदर रीड कर लो यार। तो वैसे कौन कौन से बुक्स आएंगे, 711 then 211 then 811 then 11, ये फिर मैं एलिस की चूज करूंगा कि भाई कौन से ऐसे बुक्स है जो एलिस को सिर्फ पसंद है बट बॉब को पसंद नहीं है। तो 10 बेसिकली 10 10, सो 110 एंड 310, राइट। देन ऐसे बुक्स मैं करूंगा जो बॉब को पसंद है बट एलिस को नहीं है, तीन कैटेगरी यूजफुल है, राइट। तो बॉब को पसंद इज 01 4, 0, 1 एंड देन 1, 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें से बंदों को पिक कर सकते हैं या फिर इनका कॉम्पिटिटर याद करो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट, क्योंकि कंबाइन होकर दोनों सभी को के बुक्स पढ़ने, राइट। तो नए कॉम्पिटिटर पता क्या कौन बनेंगे, टाइम के बेसिस पे इन्हें सॉर्ट कर दो, तो 1 और 3 सॉर्टेड ही है, टाइम के बेसिस पे इन्हें सॉर्ट कर दो, सो 101 एंड 401 ये आ गया। अब अगर बुक्स रीड करना चाहते हैं, अगर 11 की जगह ये दोनों कंपीट करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से पेयरिंग करोगे, बेस्ट पेयरिंग आपके लिए ये है कि भाई ये अगर किसी को बीट कर सका तो मजा ही आ जाएगा, क्यों, क्या पता इनका कंबाइन टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो, राइट। फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर ये दोनों बंदे, अगर और भी होते तो और भी, अगर साइज दोनों के डिफरेंट है, जैसे लेट्स से यहाँ पे तीन होते यहाँ पे दो होते, तो ये बंदा यूजलेस है, इसको किसी के साथ आप पेयर अप कर ही नहीं सकते हो, इसको पीछे वाले बंदों के साथ पेयर अप करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर रखा है, तो अगर स्मॉलर बंदे के साथ पेयर अप कर सकते हैं देन ग्रेटर के साथ पेयर अप करने का क्या ही मतलब, राइट। सो ये काम नहीं कर सकते हो, सो दोनों में से जिसके साइज स्मॉलर है उतने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, उतने कॉम्बिनेशन को बनाकर यहाँ पे रख दो, उतने कॉम्बिनेशन को बनाकर यहाँ पे रख दो, तो ये आपका टू टाइम, ये आपका टू टाइम और 11 जैसा ही हो जाएगा, और ये आपका 7 टाइम एंड 11 जैसा हो जाएगा। अब इनमें से बेसिकली सारे कॉम्पिटिटर आपने इकट्ठे कर दिए, इनमें से स्टार्टिंग के बंदों को पिक कर लो, अगर स्टार्टिंग के बंदे नहीं मिले, मतलब ही नहीं, एरे साइज और एरे लिस्ट साइज केस स्मॉलर है, तो -1 तो आपका आंसर है ही, राइट। तो इसे बस इम्प्लीमेंट करना है हमें, इसे बस इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं जल्दी से लिखता हूँ। Alright, so let's see, मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इनपुट ले लूंगा एन और के, तो ये लिया मैंने इनपुट एन, ये लिया मैंने इनपुट के, फिर मुझे क्या इनपुट दे रखा है, मुझे दे रखा है नहीं यहाँ देखना होगा मुझे, सो एन लाइन्स, अब एन लाइन्स विथ टाइम ए एंड बी, alright, सो एन लाइन्स विथ टाइम ए एंड बी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बताया तीन एरे लिस्ट बना लूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं किसमें कितने बंदे आएंगे, तो एरे लिस्ट बना लूंगा, सिंपली इंटीजर का ही बनाऊंगा, बेसिकली टाइम टाइम सिर्फ ऐड करूंगा मैं, क्यों, मैं सेग्रीगेशन इनपुट लेते टाइम ही कर दूंगा और इनमें सिर्फ टाइम टाइम ऐड करूंगा। न्यू एरे लिस्ट देन एलिस एंड बॉब के नाम का, देन एलिस and then all right, अब देखना for int I equal to 0 I smaller than n, n input चाहिए मुझे i++, मैं input लूंगा, क्या क्या input मिलेगा मुझे, सबसे पहले time, तो time input ले लिया, then a, तो a input ले लिया, then b, तो b input ले लिया, किसे पसंद है किसे नहीं,
देखो चार कैटेगरी हो सकती है, कौन कौन सी कैटेगरी? सबसे पहले कि यार ए बी वन है एंड बी बी वन है, मतलब दोनों को ही पसंद है, तो किसमें ऐड करूंगा? बोथ में ऐड करूंगा किसे? इस टाइम को एमजेड, ए इक्वल टू वन है, तो मैं ऐड करूंगा एलिस में किसे? टाइम को, टाइम टाइम सिर्फ ऐड करते हैं, अदरवाइज एलजेफ लिखना, क्यों? दोनों ही जीरो पॉसिबल है, बी वन है, तो बॉब में ऐड करूंगा मैं, बॉब डॉट ऐड टाइम, राइट, जीरो जीरो में तो है नहीं, इधर दोनों वन है तो इसमें आ जाएगा, अगर एलजेफ में जा रहे हो तो दोनों वन तो पक्के से नहीं है, तो पता ए वन हो, ए वन है तो बी अपने आप जीरो चेकड है, बी जीरो नहीं होता तो इसमें ही आ जाते, तो एल इसमें ऐड कर दिया, अगर बी इक्वल टू वन है तो ए इक्वल टू वन था नहीं, दोनों वन नहीं थे तो वन कॉमा जीरो वाला बी वन है, तो बॉब में ऐड कर दो, अदरवाइज जीरो जीरो, उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब हमें क्या करना है, बोथ में और बंदों को ऐड करने की जरूरत है, बट किसके बेसिस पे? कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, बेसिकली दोनों का कंबाइंड कॉम्पिटिटर में बना रहा हूँ, बट दो अलग अलग बुक्स को जब आप यूज करते हो देन टाइम टेकन कंबाइन हो जाता है, दो बंदों का कंबाइंड होता है, राइट? या 01 एंड 10 को कंबाइन करा तो जो टोटल टाइम टेकन टू रीड द बुक इज सम ऑफ बोथ द वो दिन नंबर्स और बोथ द पार्ट से टाइम टेकन बाय टू रीड बोथ द बुक्स, ओके? सो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट हम किसे करने वाले हैं? एलिस, क्योंकि कॉम्बिनेशन, वी आर क्रिएटिंग कॉम्बिनेशन, देन कलेक्शंस डॉट सॉर्ट बॉब, अब इनके कॉम्बिनेशन बना लो, बट कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? सो स्मॉलर इन दोनों में, जिसके साइज जिस सारे लिस्ट के साइज स्मॉलर है, क्यों? उतने ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मैंने बताया था, जो एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लेट से दो बंदे और होते हैं लिस्ट के पास, फायदा क्या होता है? इनकी पेयरिंग हो ही नहीं सकती, इनकी पेयरिंग इनसे करने का कोई मतलब है क्या? नहीं यार, सॉर्टेड में ग्रेटर बंदे के साथ पेयरिंग क्यों कर रहे हो, जब स्मॉलर के साथ पेयरिंग कर सकते हो, कॉम्पिटिटर आप जब बेटर कॉम्पिटिटर बना सकते हो देन उसे खराब क्यों कर रहे हो? टाइम को तो मिनिमाइज करने को बोला गया है, तो अब मैं साइज निकाल लूंगा, क्या लेट से इंट लेन, लेन इज नथिंग बट मैप डॉट मिन ऑफ एलिस डॉट साइज कॉमा बॉब डॉट साइज देन लूप फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई स्मॉलर देन लेन आई प्लस प्लस एंड ऐड करो, किसमें ऐड करो? बोथ डॉट ऐड, क्या ऐड करूं मैं, क्या ऐड करूं? बोथ डॉट ऐड एलिस डॉट गेट आई प्लस बॉब डॉट गेट आई प्लस बॉब डॉट गेट, ये मैंने ऐड कर दिया दोनों के सम को। अब बोथ बोथ में जितने भी पॉसिबल कॉम्पिटिटर है वो सभी ऐड हो चुके, उनका बेस्ट के निकाल लो। बेस्ट के कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो चेक कर लो कि इफ बोथ डॉट साइज इज स्मॉलर देन के बंदे नहीं निकाल सकते तो एस पी डॉट अपेंड माइनस वन पॉसिबल नहीं है, माइनस वन माइनस वन एंड यहाँ से कर जाओ रिटर्न, अदरवाइज अदरवाइज सॉर्ट करो किसे? बोथ वाले को, और ये कलेक्शन को मैंने गलत लिख रखा है, कलेक्शन को क्यों कैपिटल सी होगा, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट बोथ एंड फर्स्ट के बंदों को प्रिंट करते हैं यार, और इंट आई इक्वल फर्स्ट के बंदों का सम चाहिए, टोटल टाइम हमें निकालने को बोल रखा है, आई स्मॉलर देन के आई प्लस प्लस, ये रहा मेरा लॉन्ग आंसर इज इक्वल टू जीरो, आंसर इज इक्वल टू बोथ डॉट गेट, हाँ बोथ डॉट गेट, बोथ डॉट गेट आई राइट, आंसर प्लस इक्वल टू नॉट इक्वल टू, यहाँ से निकलो एसपी डॉट अपेंड आंसर प्लस बैकस्लैश, तो नेक्स्ट लाइन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है या नहीं वो देखना होगा मेरे पास, रेस्ट आई गेस हमने सॉल्व कर लिया, नहीं एन और के है सिर्फ, तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को रिड्यूस कर देता हूँ मैं वन पे, ये कर लिया हमने, सो अभी से रन करते जल्दी से, ओप्स इनपुट दिया ही नहीं यार, इनपुट कॉपी पेस्ट इट हियर रन इट अगेन, ऑल राइट सो 18 आई गेस 18 इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स, देन नेक्स्ट वन
output is 8, not here, 8, right. I don't think we need to check the last test case. Let's submit it correctly. Okay, see, accept, like, here aapka reading books, like, will there next video mein, tab tak ke liye bye bye.